गुरुग्राम के मानेसर खेड़ की दोला में काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को समर्थन देने व ग्रामीण क्षेत्रों में लोग एकजुट करते हुए आहिर रेजिमेंट अधिकार यात्रा आज राजस्थान से होते हुए नांगल चौधरी पहुंची, जिसका यादव सभा नांगल चौधरी में भव्य स्वागत किया गया और समाज के लोगों ने आश्वासन दिया कि आने वाली 23 सितम्बर को जंतर मंतर पर भारी संख्या में पहुंचेंगे, जिसके नेतृत्व आहिर रतन जिंदा शहीद परमवीर चक्र योगेंद्र यादव करेंगे। ये रेजिमेंट की मांग हमारी जायज मांग है और सरकार इसके लिए कोई मापदंड तय कर दे, यदि हम उन मापदंडों पर खरा उतरते हो तो हमें ये रेजिमेंट हमारे शहीदों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए सरकार को देनी चाहिए। हमारी ये मुहिम कोई राजनीतिक मुहिम नहीं है, ये हमारी किसी सरकार के पक्ष या किसी के खिलाफ मुहिम नहीं है, समाज। रेवाड़ी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण लगातार विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को रेवाड़ी के तुर्कियावा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया। बता दें कि बच्चों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। ये काफ़ी दिन से परेशानी आ रही है स्कूल में टीचरों की, और जो 6वीं 7वीं 8वीं उसमें तो एक भी टीचर नहीं है, और जब टीचर नहीं रहेंगे तो बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी और हो रही है। हमने और ये अपना स्कूल में खड़े हैं हाई स्कूल के सामने, इसमें भी ट्रांसफ़र हो गए हैं और प्रिंसिपल साहब की जो पोस्ट है वो खाली हो गई है, और भी टीचर हैं साइंस की टीचर हैं वो भी खाली हो गई है, और कंप्यूटर की साइंस है वो भी ख़त्म हो गई है, और जो चपरासी हैं PN जो है और सफाई कर्मचारी हैं और जो माली हैं वो भी यहाँ कोई जो नहीं है वहाँ पर, ना हाई स्कूल में ना मिडिल स्कूल में। इसलिए क्या है कि हमने जो प्रशासन को अलर्ट भी किया है, प्रिंसिपल साहब से हमने मीटिंग की थी, तो उन्होंने किया क्या है कि हमने लिखा हुआ है प्रशासन को आएंगे, लेकिन कोई जो है ना यहाँ अध्यापक नहीं आया, प्रोफेसर नहीं आया यहाँ पे, और ये ट्रांसफ़र का क्रिया चल रही थी, हमने एप्लीकेशन दी भी है और प्रशासन को अलर्ट भी किया था पहले। हरियाणा पुलिस की कारगुजारी एक बार फिर सामने आई है। रोहतक शहर की सिटी थाना के हवालात में बंद रेप के आरोपी ने जहर खा लिया। जब थाने के पुलिस कर्मियों को पता चला तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। पुलिसकर्मी जहर खाए आरोपी को तुरंत एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामला था जी, अंग्रेज नाम का लड़का है, मेरा दोस्त है जो, उसके खिलाफ एक जगवंती और एक प्रकाश डिगल से और एक वकीला लवीना, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत अंग्रेज के ऊपर 306 का मामला दर्ज करा रखा है, जिसको 2 महीने के आसपास हो गए हैं। उसमें SP साहब से हम मिले थे, उन्होंने जांच के लिए DSP साहब को बोल दिया 336 में बनती नहीं। उसके बाद आज कम करीब 2 महीना 4-5 बार DSP से मिलने के बाद उन्होंने आज 376 में उनको अंडर कस्टडी कर दिया था, और उसने अंडर कस्टडी करने के बाद उसको सिटी थाना ले जाया गया। हवालात के अंदर उसने कुछ जहरीला पदार्थ निकल के आत्महत्या करने की कोशिश की है, उसकी स्थिति अभी नाजुक है। कृषि विभाग की ओर से किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा कैंप भी लगाए जा रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान से किसान काफी जागरूक भी हुए हैं। बता दें कि 2020 के मुकाबले 2021 में अंबाला में पराली जलाने की 80% घटनाएं कम हुई हैं। सरकार द्वारा पराली न जलाने वाले किसानों को 1,000 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। कृषि विभाग ने किसानों को पराली जलाने के नुकसानों के बारे में बताया जा रहा है। किसानों का भी मानना है कि किसान जागरूक हुए हैं और पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। अम्बाला जिला में पराली जलाने की घटनाएं विगत वर्ष 2020 के मुकाबले 2021 में 80% तक पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं, और माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा व दूसरे कमीशन द्वारा भी इनका संज्ञान लिया जाता है, और माननीय ACS महोदय डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर और DC महोदय अम्बाला के मार्गदर्शन में जो भी स्कीमें आती हैं पराली के प्रबंधन के लिए उनका सुचारू क्रियान्वयन किया जाता है, जिसमें इंडिविजुअल लेवल पर व्यक्तिगत स्तर पर 50% तक सब्सिडी ये फसल प्रबंधन की मशीनों पर दी जाती है, और CHC लेवल पर 80% तक की सब्सिडी दी जाती है। और आपको यहाँ बताना हम जरूरी समझते हैं कि इस साल से यमुनानगर के जगाधरी के पंसारी बाजार में देर रात पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। जिस युवक पर बदमाशों ने फायरिंग की
वो युवक तो बचकर भाग निकला, लेकिन उस पर गोलियां दागते समय एक कारतूस के छर्रे 11 साल के मासूम को लग गए, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज एक मुकेश उर्फ मन्नी सन और दिनेश कुमार उर्फ धन्ना जाति राजपूत अपनी स्कूटी के ऊपर अंसारी बाजार में से निकल रहा था। पीछे से 3 बाइक सवार आए और उन्होंने उसके ऊपर 2 बार फायर किए और वो उधर जैसे फायर किए तो वो उधर स्कूटी गियर के भागने लगा, तो वो पीछे पीछे पैदल पैदल उसके पीछे गए और उसके गोली तो नहीं लगी, लेकिन छर्रा लगा है उसके बैक हिप के ऊपर, वो तो माइनर सा है, कोई ज़्यादा चोट नहीं। सत्य सटीक बेबाक